दोस्तों आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैंने एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 4 और एसएससी सीजीएल 2018 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है, जबकि मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो मैंने क्यों इन पर कोई वीडियो नहीं बनाया, इसका जो आंसर है ये मुझे ऐसा लगता है कि और अभी तक मैंने इस आंसर को शेयर नहीं किया था, रीज़न कि मुझे ऐसा लगता था कि इसका जो आंसर है उस पर बहुत सारे लोग यकीन नहीं करेंगे, मैक्सिमम लोग, तो इसलिए मैंने इसको छुपा के रखा था कि ये बताना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था, तो उस क्वेश्चन का आंसर देना ज़रूरी है, और अगर उस क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहता हूँ तो इन दो क्वेश्चंस कि मैंने इन टॉपिक से वीडियोस क्यों नहीं बनाया ये बताना पड़ेगा मुझे आपको, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इस वीडियो के थ्रू कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, खासतौर से एसएससी के बारे में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अन अकेडमी पर हर वेडनेसडे को एसएससी के लिए नए बैचेस लॉन्च होते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं और एग्जाम से पहले आपका सिलेबस खत्म करने की गारंटी है। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं WEESHL, इसका यूज करके आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी आप चाहे कोई फ्री कोर्स भी पढ़ना चाहते हैं उसका लिंक भी नीचे है, तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अभी के भी जाएं और कोर्स ज्वाइन करें, थैंक यू। तो दोस्तों अगर मैं रीज़न बताऊं कि मैंने उन टॉपिक से वीडियो क्यों नहीं बनाया था सीजीएल 2018 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट पे यानी कि टीयर 4 पे, तो उसका रीज़न ये है कि मैं एग्ज़ाम देने ही नहीं गया था, मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। अब अगर ये बात आपको बोल रहा हूं तो आप में से कितने लोग इस पे यकीन कर रहे हैं, शायद मे भी कुछ करें मे भी ना करें। तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं अभी अपने स्क्रीन पे, ये है मेरा टीयर 4 का एडमिट कार्ड, ठीक है, ये मेरा चेहरा है यहाँ पे और ये टीयर 4 का एडमिट कार्ड है मेरा, और नीचे अगर आएँ तो ये जो फोटो है ये है मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड। आप देख सकते हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टीयर 4 होने वाला था वो नॉर्दर्न रीजन में होने वाला था, उस टाइम मैं पटना में था। टीयर 4 मेरा होने वाला था 19 दिसंबर को और टीयर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा था 29 जनवरी को, ठीक। कुछ लोग ये कहेंगे कि जहां तक उन्हें अगर पहले से फॉलो करते हुए आ रहे होंगे तो उनको उन्हें पता होगा कि मैं दिल्ली गया था स्किल टेस्ट के 2 दिन पहले, मैं दिल्ली गया था तो अपीयर तो हुए होंगे। तो दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा बता दूं बैकग्राउंड कि 17 तारीख को मैं यहाँ से निकला था बस से, उसके पहले मैं जाना चाह रहा था बट मैं टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, उस टाइम कोरोना का काफ़ी बड़ा कहर था तो ऑन बोर्ड तक करने नहीं दिया गया ट्रेन। तो फिर मैं 17 तारीख को मैं बस लेके निकला था और मुझे 27 घंटे लगे थे पहुंचने का, अगर मेरे पास टिकट होगा तो मैं मुझे मिलेगा तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे। तो मैं मेरा अगली सुबह मेरा CPT था और मैं पहुंचा लगभग 7 बजे जहां मुझे पहुंचना था दिल्ली में, अगले दिन मुझे जाना था और ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैं नहीं गया था अगले दिन CPT देने। अगर मैं रीज़न बताऊं तो कोई रीज़न नहीं था, ना ही कोई मुझे दिक्कत थी, ना मेरा तबीयत ख़राब था, ना ही कोई एक्सटर्नल कोई प्रेशर था या फिर किसी भी तरह की कोई बात नहीं थी। मेरे पास एक रूम था, मुझे जाना, मैं प्लान कर रात में सोया हूँ, मैं प्लान करके रात मैंने एक वीडियो तक बनाई कि मेरा CPT है, लेकिन सुबह मैं नहीं गया, मेरा जो मानसिक स्थिति थी उसके वजह से मैं नहीं गया, ठीक है। और एक तो रीज़न ये तो ऑब्वियस रीज़न था कि मेरे मार्क्स जो थे वो काफ़ी कम थे और मैं जानता था कि मार्क्स कम है कोई पोस्ट अच्छी सी मिलने वाली है नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानते हैं कि पोस्ट उनको नहीं मिलने वाली है, स्टिल वो जाते हैं इनका एक्सपीरियंस लेने, लेकिन फिर भी मैं नहीं गया। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आई तो मैं दिल्ली आया ही नहीं, ठीक है। तो ये बात है, तो मैं अपीयर नहीं हुआ था दोनों में, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी डाटा निकाल लेते हैं, तो आप लोग भी डाटा जाके चेक कर सकते हैं, अगर आप करेंगे भी तो वहाँ पे आपको एब्सेंट ही मिलेगा। तो मैं एब्सेंट था दोनों चीज़ में। अब दोस्तों बात करते हैं कि मैंने 2018 CGL का अपना फाइनल स्कोर कार्ड क्यों नहीं शेयर किया। हुआ क्या कि जब 2018 का फाइनल रिजल्ट आया उसके पहले SSC ने स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया था फाइनल CPT के स्कोर्स के साथ। जब मैंने वहां से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश की तो वहां से मेरा स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ, और ये मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं कि जिन्होंने टीयर 3 या फिर टीयर 4 में एब्सेंट अगर आप होंगे तो आपका फाइनल स्कोर कार्ड रिलीज नहीं किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और CPT में नहीं अपियर होने की वजह से मैं अपना स्कोर कार्ड एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था। बहुत लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि टीयर 2 तक ही उनके मार्क्स काफी अच्छे हैं, मान लीजिए 604 मार्क्स मान लीजिए कि हैं आउट ऑफ 700, अब उनको ऐसा फील हो कि मुझे जरूरत नहीं है टीयर 3 की क्योंकि टीयर 2 तक ही मेरे काफी अच्छे मार्क्स हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी वजह से टीयर 3 में अपियर नहीं होते हैं तो आपका कैंडिडेचर लॉस्ट हो जाएगा। टीयर 3 तो छोड़िए, अगर टीयर 4 में भी अपियर नहीं होते हैं तो भी आपका कैंडिडेचर लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि टीयर 4 तो कुछ खास पोस्ट के लिए ही, अगर उसमें अपियर नहीं भी होते हैं तो बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। नहीं, अपियर होना आपके लिए जरूरी है, अपियर अगर आप नहीं होइएगा तो आपका फाइनल स्कोर कार्ड विथहेल्ड हो जाएगा,
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो टीयर फोर में आपको अपियर होना है। हाँ, अगर फेल हो जाते हैं टीयर फोर में, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो कुछ खास पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है, बाकी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। लेकिन अगर आप एबसेंट हो जाते हैं, चाहे वो टीयर फोर में हो, चाहे टीयर थ्री में हो, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो, तो आपका कैंडिडेचर खत्म हो जाता है, आपका स्कोर कार्ड वगैरह रोक लिया जाता है, उसके आप एक्सेस नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि जो फाइनल्स, जो टीयर थ्री का जब रिजल्ट आया था, उस टाइम भी ये फाइनल स्कोर कार्ड रिलीज किया गया था, तो उस टाइम मुझे, मैं अपना स्कोर कार्ड देख पा रहा था, क्योंकि टीयर थ्री का एग्जाम मैंने दिया था। लेकिन अभी के अनफॉर्चुनेटली कि मेरे पास वो स्कोर कार्ड है नहीं। रीजन कि जनरली कोई स्कोर कार्ड हम लोग डाउनलोड करते हैं, उसको ड्राइव में हम लोग सेव कर लेते हैं, बट जो मेरा उस टाइम स्कोर आया था टीयर थ्री का, वो देख के मैं इतना डिप्रेस हो गया था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक जॉब तो मिलनी है, टीयर थ्री में 70+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे, जैसा मुझे लिखा है, मैंने पता है। लेकिन मार्क्स आए मुझे सिर्फ 56, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर कुछ मन ही नहीं किया कि कुछ डाउनलोड करूँ या कुछ पे करूँ, सीधे मैंने फ़ोन साइड रख दिया था, और अभी वो फ़ोन मेरा ख़राब हो गया, तब मैंने अभी नया फ़ोन लिया है। तो जो भी उसमें डेटा स्टोर था, मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह अगर लिया भी होगा, तो उसी फ़ोन में ख़त्म हो गया, उसको मैं ड्राइव में अपलोड नहीं किया था। तो अभी मेरे पास मेरा खुद का कोई स्कोर कार्ड नहीं है, पर बदकिस्मती मेरी ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरा स्कोर पता होने का क्लेम करते हैं कि मेरे पास का स्कोर है, जबकि जिसने भी ये स्कोर की बात की है, किसी ने मेरा स्कोर कार्ड शेयर नहीं किया है, किसी के पास भी मेरा ओरिजिनल स्कोर कार्ड नहीं है। अगर तो फाइनल स्कोर की अगर बात करूं, तो 542 मेरा स्कोर था टिल टीयर 3 आउट ऑफ 700। उसके बाद मैं टीयर 4 में देने गया हूं, और ना ही 2018 CGL का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने अटेंड किया है। ठीक है, तो आपके लिए एक सीख है कि अगर आप किसी भी रीजन से टीयर 4 मिस कर देते हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मिस कर देते हैं, तो आपका कैंडिडेचर खत्म हो जाता है, तो आपको ये नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी, थोड़ा नॉलेज मिला होगा। अगर आपके आसपास कोई लोग ऐसी गलती कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर करवाइए। तो इसी तरह के वीडियो के साथ हम लोग आगे मिलते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।